छात्रों, हम गुरुत्वाकर्षण वाला पार्ट पढ़ रहे थे। उसका पार्ट वन अपन ने देखा। अब हम पार्ट टू के बारे में पढ़ाएंगे, गुरुत्वाकर्षण। जैसे आपने देखा है कि जीवन, दैनिक जीवन में देखते हैं आप कि यदि हम रेत पर खड़े हों तो हम ज़्यादा हमारे पैर धंसते हैं, यदि हम रेत पर लेट जाएं तो हमें शरीर धंसता नहीं है। आपने देखा कि भवनों की जो नींव है वो चौड़ी बनाई जाती है। औजार आपने देखा है कि ये कुछ नुकीले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, प्रत्येक वस्तु नीचे की ओर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, और उसके अपोजिट दिशा में भी दूसरा बल लगता है। तो अब यहाँ पर हम प्रणोद के बारे में पढ़ेंगे। प्रणोद क्या? एक विशेष दिशा में लंबवत लगाया जाने वाला बल है। तो किसी भी वस्तु की सतह के लंबवत लगाए जाने वाले बल को हम क्या बोलेंगे? प्रणोद कहेंगे। देखिए, ये सतह है और ये बिल्कुल लंबवत, इस पर ये बल लग रहा है, तो ये कहलाएगा लंबवत। जो बल है उसको हम कहेंगे प्रणोद कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दाब। प्रति किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या बोलेंगे? दाब। दाब का संबंध क्षेत्रफल से है। तो दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। इस प्रकार दाब का जो मात्रक है वो है पास्कल। आप वो रेत वाला उदाहरण देख सकते हैं कि जब हम पैर से खड़े होते हैं रेत पर तो हमारे द्वारा कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगता है, और जब हम लेटते हैं तो हमारा सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि क्षेत्रफल और दाब का घनिष्ठ संबंध हो गया है। जब किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं, तरलों में भी दाब उत्पन्न होता है। ये हम पढ़ रहे हैं, तरल में दाब। जब हम किसी वस्तु को पानी में, ये पानी है तो मान लो हमने एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, तो ये वस्तु अपना एक बल लगाती है नीचे की ओर। इस बल को हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और जो तरल है, तरल भी ऊपर की ओर वस्तु पर एक बल लगाता है, उसको हम बोलते हैं उत्प्लावकता। तो ये द्रव पदार्थों का एक गुण होता है। किसी वस्तु को जब हम द्रव में डुबो दिया तो वो डुबोने पर जो द्रव है उस वस्तु पर एक बल लगाएगा जो कि ऊपर की ओर लगेगा। इस बल को हम कहेंगे उत्प्लावकता। तो एक उत्प्लावन ये बल आरोपित कहलाता है। अब कोई भी वस्तु कब डूबेगी पानी में और कब वो वस्तु तैरेगी, इसके लिए हम बता सकते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जैसे देखिए, कोई वस्तु को जब हम पानी पर डालते हैं तो वो कब तैरेगी या कब डूबेगी? देखिए, एक कील है, एक कील है और ये पानी है। जब हम पानी में कील को डालते हैं
तो ये कील डूब जाती है, और यदि मान लो एक कार्क का टुकड़ा है, मान लो ये कार्क का टुकड़ा है और ये लोहे की कील है, आप देख रहे हैं कि लोहे की कील डूब जाती है और कार्क तैरता रहता है। इसका कारण यह है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर लगता है, तो इसके द्वारा जो हटाया गया पानी है, इसका क्षेत्रफल कम है, कील द्वारा जो हटाया गया पानी है तो ये पानी कम मात्रा में है और गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है, तो हटाए गए पानी का जो भार है वो कम है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है, तो जिसके कारण ये वस्तु डूब जाएगी। कार्क क्यों तैरेगा? क्योंकि कार्क का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है और इसके द्वारा जो हटाया गया पानी है वो उसका वो जो बल है वो ज़्यादा है, तो इसलिए कार्क क्या होता है, तैरता रहता है। इसके लिए एक सिद्धांत बताया है आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने कि जब हम किसी भी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से वस्तु को डुबोते हैं तो ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है वो वस्तु, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के, जो हटाया गया पदार्थ है पानी उसके भार के बराबर होता है। तो इस प्रकार आर्किमिडीज ने तैरने का ये नियम बताया। किसी का घनत्व का संबंध उसके द्रव्यमान से है, किसी भी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम उसका क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक है किलोग्राम किलोग्राम प्रति घन मीटर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व। किसी भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व हम तुलना करते हैं तो किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है और पानी का घनत्व का जो अनुपात है वो कहलाएगा आपेक्षिक घनत्व। पदार्थ पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। घनत्व इस प्रकार हम देखते हैं कि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। धन्यवाद। थोड़ा सा वो हो गया है, प्रैक्टिस नहीं थी ना इसकी।